लास्ट 2 डेज से मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली हमारी देश की राजधानी है, जिसको नहीं पता है, वैसे सबको पता होता है, जस्ट जोकिंग। ओके, सो 2 दिन से मैं हूँ अपने कॉर्पोरेट टूर पे, मुझे ऑफिस के काम से यहाँ आना पड़ा, तो मैं रुका हूँ दिल्ली के ओखला एरिया में, ट्रिबू के ट्राइस्ट द अंबर। अब तक आपने जो भी रिव्यूज़ देखे हमारे, वो ओयो से रिलेटेड हुए, एयरबीएनबी से रिलेटेड हुए, और फर्स्ट टाइम हम लोग जो रिव्यू कर रहे हैं वो है ट्रिबू चेन्स का। ट्रिबू होटल चेन्स सिमिलर टू ओयो एंड एयरबीएनबी है। सो ये कॉर्पोरेट बुकिंग थी, एंड मैं आपको फटाफट अपना रूम दिखा देता हूँ। एंटर होते ही ये है मेरा रूम, ये सिंगल बेड है, ये सिंगल रूम है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लाइटिंग काफ़ी अच्छी है, रूम में टीवी भी है, बेड काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी बड़ा बेड है, यहाँ पे ड्रॉवर वगैरह है। एसी जो है यहाँ पे सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, तो ये उसका रिमोट है, आपको ऑन करना है, ऑफ करना है। यहाँ सारे इलेक्ट्रिक बटन्स हैं। अब ये बटन्स जो है वो थोड़े पास होते तो और अच्छा होता, वो काफ़ी दूर है, तो मुझे उठकर हमेशा सोने से पहले बंद करना पड़ रहा है, या जो भी ऑन करना पड़ता है तो मुझे उठकर करना पड़ा। अगर वो यहाँ होते तो काफ़ी अच्छा होता, ये एक मेरा ओपिनियन है। और ये है आपका डू नॉट डिस्टर्ब या मेकअप माई रूम का साइन, यहाँ आपकी की डलती है, ये आपका डोर चेन भी है। ये है मिरर, एज यूजुअल तैयार होना है, रेडी होना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। एक चेयर है, एक स्टूल है। ये यहाँ पर मैं आया तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसके पीछे जो है एक खिड़की जैसा है जो कि बंद है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाती है दिल्ली में आपको कहाँ घूमना है, क्या करना है, ट्रिबू होटल्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, जो भी है। ये एक लैपटॉप टेबल है, या वर्किंग डेस्क बोल सकते हैं आप। जैसे कि मैंने बताया कि ये कॉर्पोरेट बुकिंग है, और यहाँ ज़्यादातर सब कॉर्पोरेट वाले ही आते हैं। यहाँ पर फ्रिज भी है, फ्रिज हमेशा मेरा फेवरेट होता है, हर होटल में जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं हमेशा आपको फ्रिज के बारे में तो बताता ही हूँ। सो ये सब है फ्रिज में, ये सब चार्जेबल है बाय द वे, इसके सारे चार्जेस हैं। सो क्या क्या चीज़ के चार्जेस है वो यहाँ लिखा हुआ है। वाटर बॉटल्स फ्री होती है, डेली आपको 2 बॉटल मिल जाती है। ये आपके सामान रखने के लिए कैबिनेट्स है, ये एक यहाँ पर बड़ा सा कैबिनेट है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी जगह है। ये एक लॉकर भी दिया हुआ है, एक एक्स्ट्रा बेडशीट भी है अगर आपको किसी को ठंड लगे ज़्यादा तो। और यहाँ पर उनका टेलीफोन है, अच्छा है, चलता है, बात कर सकते हैं आप। यहाँ पर भी ड्रॉवर है, ये नहीं चल रहा था, पता नहीं, बल्ब नहीं है शायद उसके अंदर, तो नॉट श्योर। और अब इसका देखते हैं बाथरूम, बाथरूम काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका बाथरूम। सो ये है इसका बाथरूम, यहाँ पर आपको मिल जाता है हेयर ड्रायर रेडीमेड, आई एम नॉट श्योर कितनी होटल्स में रेडीमेड हेयर ड्रायर मिल जाता है। यहाँ पर एक मेकअप मिरर है, और ये वॉश बेसिन वगैरह। बाथरूम में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ पे ये जो सोप डिस्पेंसर है, लिक्विड डिस्पेंसर है, ये रेडीमेड है, यहाँ पे आपको साबुन वगैरह की झंझट नहीं होगी यहाँ पे। ये उसका टॉयलेट है, डस्टबिन अवेलेबल है, हमेशा डस्टबिन होना चाहिए हर होटल में। लाइक मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मुझे ओयो से जो बुकिंग थी मेरी उसमें मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई, फ्रिज नहीं था, डस्टबिन नहीं था, एंड सब काफ़ी कुछ गड़बड़ थी। तो यहाँ पर अंदर की तरफ ये जो है, ये हेयर एंड बॉडी जेंटल वॉश दोनों 2 इन 1 है, पानी काफ़ी अच्छे से आता है। हाँ, अगर आपको वार्म वाटर चाहिए तो उसके लिए आपको फ़ोन करके पहले बोलना पड़ेगा कि गर्म पानी प्लीज़ ऑन कर दीजिए, तो ही आपको गर्म पानी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। टीवी चल रहा था, मैंने वैसे कुछ देखा नहीं इतना, रिमोट वगैरह है यहाँ पे सारी। रिसेप्शन से आपको कुछ ऑर्डर ऑर्डर करना हो तो यहाँ पे मिल जाता है सब कुछ। सो ये है ट्रिबू ट्राइस्ट द अंबर होटल,
और ये है इसका एंट्री। तो अब चलते हैं रिसेप्शन की ओर और देखते हैं कैसा है ये होटल, कैसा दिखता है। यहीं पे एक मेटल डिटेक्टर या चेकिंग पॉइंट है। ये है रिसेप्शन, और रिसेप्शन के पास में ही है डाइनिंग और ब्रेकफास्ट करने के लिए फैसिलिटी। सो आपको अगर डाइनिंग है, आपका ब्रेकफास्ट है, तो आप यहीं पे कर सकते हो। चलिए देखते हैं इसका किचन कैसा है। सो ये है यहाँ का किचन। यहाँ ब्रेकफास्ट आपको मिल जाता है सवेरे, और ब्रेकफास्ट में जैसे आप देख सकते हो जूस है, सीरियल है, फ्रूट्स है, ब्रेड है, जैम है, पास्ता है। सो रोज़ अलग अलग वेराइटीज़ होती है ब्रेकफास्ट के लिए। मुझे ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिला। सो अगर आप बुक कर रहे हो तो आप देख लीजिए आपका ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है या आपको पे करना पड़ेगा। सो यही था एक क्विक रिव्यू ट्रिबो होटल चेंज के बारे में। तो फर्स्ट टाइम है हम लोग। अब ये जो होटल है, यहाँ पे तीन टाइप के रूम्स है, मैंने लिख लिया है, मुझे थोड़ा याद नहीं था। सो एक है मैपल, एक है ओक और एक है अकाशिया। और इनकी रेंज जो है वो स्टार्ट होती है 2500 से लेकर 5000 तक। सो जो अकाशिया की रेंज स्टार्ट होती है वो 2500 से, और जो डीलक्स रूम है उनका मेपल वो हो जाता है 5000 तक। सो ये जो होटल है ये मोस्टली यूज्ड बाय कॉर्पोरेट्स है, बट कपल्स भी आके रह सकते हैं, फैमिलीज भी आके रह सकती है। एंड यहाँ से कनेक्टिविटी वैसे काफ़ी अच्छी है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल कर रहे हो, घूम रहे हो, तो यहाँ से सीधा रोड आपको 20-25 मिनट में ओल्ड दिल्ली पहुँचा देगा। और यहाँ से एयरपोर्ट कुछ 45 मिनट्स की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन नज़दीक है, मैंने देखा मैप पर, तो रेलवे स्टेशन भी काफ़ी नज़दीक। मेट्रो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है दिल्ली में। वैसे कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है, कनेक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी है। सो ये था मेरा क्विक रिव्यू ट्रिबो होटल्स के बारे में। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। आपको कोई क्वेरीज है तो ज़रूर बताइए। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस होटल की सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो तब तक के लिए देखते रहिए अंडर द स्काई, आगे काफ़ी सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। थैंक यू।